गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यू के स्टडी सर्कल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो इस संडे यानी 7 फरवरी को कंडक्ट कराए गए टेस्ट सीरीज़ पर आधारित है। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कुछ टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स और रिजल्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन था, देश की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में। सेकंड क्वेश्चन, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में उत्तराखंड की ओर से किस विषय पर झांकी प्रस्तुत की गई थी, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केदारखंड विषय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा अपना 40वां वैज्ञानिक अभियान कहाँ शुरू किया गया है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल द्वारा किराए में मिलने वाली छूट को निम्नलिखित में से किसके लिए बंद कर दिया गया है, तो हाल ही में भारतीय रेल ने खिलाड़ियों को जो किराए में छूट मिलती थी उसको बंद कर दिया है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इनमें से किससे संबंधित है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये संबंधित है संसद भवन के निर्माण से, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 8 जनवरी को उत्तराखंड में आयोजित पंचायत प्रतिनिधि परिचय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगनगरी रेलवे स्टेशन उत्तराखंड में कहाँ है, तो ये रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश में, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित यूके रेरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यूके रेरा ये संबंधित है भू संपदा से, उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्नी देवी कौन थी, तो बिस्नी देवी एक स्वतंत्रता सेनानी थी उत्तराखंड की, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी, तो ये की थी जून 1929 में, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है, तो शहद की मक्खी यानी मधुमक्खी का विष ये अम्लीय प्रकार का होता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, तो कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास द्वारा वर्णित कण्वाश्रम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित था, तो ये स्थित था मालिनी नदी के तट पर, सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है, तो जो नहीं है उनको लेना है, तो हरिकृष्ण रतुड़ी, बद्रीदत्त पांडे, शिवप्रसाद डबराल, ये तीनों ही उत्तराखंड के इतिहासकार रहे हैं। चंद्रसिंह गढ़वाली ये स्वतंत्रता से संग्राम से संबंधित हैं, ये इतिहासकार नहीं है, इन्हीं ने जो पुस्तक है वो नहीं लिखी है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ये पॉलिसी शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए, सही आंसर है पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी गढ़वाल में धांडक आंदोलन ये संबंधित था मजदूरों से, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मजदूरों से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था, सही आंसर है ऑप्शन ए, ई गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शैलचित्र गुफा शैलचित्र लाखू उडियार कहाँ स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन, अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत की आकस्मिकता निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट बनता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 बिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सही आंसर है ऑप्शन ए, संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को।
अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य द्वारा अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, त्रिवेंद्र पवार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रबी फसल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जूट। ये खरीफ की फसल है, बाकी तीनों जो है वो रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा क्या कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मानक भाषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या 9 है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, यहाँ पर हम देखेंगे ये सोना ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सहायता, ये दोनों ही एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, तो ये दोनों ही ऑप्शन बी और डी सही हो जाएगा। तो इसमें जिन्होंने ऑप्शन बी को टिक किया है या जिन्होंने ऑप्शन डी को टिक किया है, तो दोनों को ही इसमें मार्क्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुरुषवाचक, ये सर्वनाम का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, तो गलत विकल्प में से ऑप्शन बी है, अति, अति प्लस अंत होना चाहिए, अंत अंत अ होना चाहिए, अ की जगह य लिखा हुआ है, तो अति प्लस अंत होना चाहिए, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीवर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो धीवर पर्यायवाची है केवट का, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आलोक के विलोम शब्द का चयन कीजिए, तो आलोक का मतलब उजाला होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी, तिमिर, तिमिर यानी अंधकार। अगला क्वेश्चन, अपनी प्रशंसा करने वाला, इस शब्द के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, तो ये होगा आत्मश्लाघी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्तिका निम्नलिखित में से किसका तत्सम रूप है? तो ये है मिट्टी का, मिट्टी हो जाएगा तद्भव रूप और मृत्तिका तत्सम रूप, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, धैर्य, धैर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो धैर्य शब्द में प्रत्यय है य, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, धीर प्लस य इसको लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये अब रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए, टायर, अंगूठी, प्लेट और चूड़ी। तो हम यहाँ देखेंगे टायर, अंगूठी और चूड़ी, ये तीनों ही रिंग के शेप में होते हैं, जबकि जो प्लेट है वो एक डिस्क की तरह होती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच होता है, 13 और 16 जून के बीच होता है, और उसकी बहन को याद है कि उसका उसके पिता का जन्मदिन 16 और 18 जून के बीच होता है, 16 और 18 जून के बीच होता है। तो अब हमने एक ऐसी डेट चुननी है, उसके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा, इस पर दोनों ही सहमत हों, दोनों ही सहमत हों। अब मोना को याद है कि 13 के बाद होता है और उसकी बहन को याद है कि 14 के बाद होता है, तो 13 और 14 दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं हमारे पास। आगे लिखा है मोना को याद है कि 13 और 16 के बीच में होता है, 13 से 16 के बीच में, तो हमने ऐसा नंबर लेना है जो 13 और 16 के बीच में होता है। तो जब 13 और 14 नहीं है तो 13 16 के बीच में कौन आया, 15। तो यानी 15 को जो है दोनों ही सहमत होंगे कि 15 को उनका जन्मदिन होता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द सुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, और शब्द है डिटर्मिनेशन। तो यहाँ देखेंगे कि ऑप्शन बी जो है इसमें डेस्टिनेशन, इसमें एस का यूज़ हुआ है, जो कि एस डिटर्मिनेशन में कहीं पर भी नहीं है, तो डिटर्मिनेशन के जो वर्ण हैं, अक्षर हैं, उनसे डेस्टिनेशन नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 44, यदि ये कंडीशंस दी हुई हैं तो हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम देखेंगे 16 / 4 जहाँ लिखा है इसको हम देखेंगे, तो इसका आंसर किस तरह से किया हुआ है, 6 + 1 = 7 और 16 / 4 = 4, यानी कि जो फर्स्ट डिजिट है वो इसकी डिजिट्स का सम है, यानी जो
डिविडेंड है उसकी डिजिट्स का सम करके फर्स्ट डिजिट आ रही है, यानी और एक्चुअल जो डिवीजन करते हैं हम 16 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 4, उसको यूनिट प्लेस की डिजिट बनाया गया है। ऐसे ही हम इसमें भी देखते हैं तो यहाँ भी वही है 2 + 1 = 3, तो यूनिट प्लेस की जो सेकेंड नंबर की जो डिजिट हो गई वो 3 हो गई। और 7 से 21 को डिवाइड करते हैं तो 7 × 3 = 21, यूनिट प्लेस की जो डिजिट हो गई वो 3 हो गई। तो यही रूल हम इसमें भी लगाएंगे 55 / 5, तो पहले हम 5 + 5 करते हैं तो 10 आता है, और 55 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 11 आता है, यानी 10 11, ये हमारा आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, जया स्कूटी में अपने पुत्र राकेश के साथ अपने घर से उत्तर दिशा की ओर गई। तो हम इसके लिए पहले एक डायरेक्शन का चार्ट बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो जया स्कूटी में कहाँ गई, उत्तर दिशा की तरफ, तो मान लीजिए ये जया है और अपने घर से उत्तर दिशा की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है। चौराहे से पहले ही राकेश की स्कूल बस उसे बाईं ओर ले गई। अब ये तो स्कूटी में जा रही है और रास्ते में जो राकेश है उसका बेटा है उसकी बस आ जाती है और उसको बाईं तरफ ले जाती है, यानी यहाँ से राकेश तो इधर को चला गया। और क्या लिखा है, जया सीधे उसी लाइन में चलती रही, ये उसी लाइन में आगे को चलती रही। फिर उसने स्कूटी में पेट्रोल डलवाया, मान लीजिए यहाँ पर इसने पेट्रोल डलवाया है। फिर उसके बाद वो बाएं मुड़ी और सुपरमार्केट में गई, यहाँ से बाएं मुड़ती है और सुपरमार्केट में गई, ये मान लीजिए सुपरमार्केट यहाँ पर है। तो सुपरमार्केट पेट्रोल पंप से किस दिशा में, अब देखेंगे पेट्रोल पंप यहाँ है और सुपरमार्केट यहाँ है, तो यानी पेट्रोल पंप से किस दिशा में है, इस दिशा में, यानी वेस्ट पश्चिम दिशा में है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है और उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, ये बताना है। तो हम देखते हैं पहले 36 से भाग देते हैं, जब मान लीजिए कोई संख्या है, मान लो x है, एक संख्या है, x को हमने 36 से भाग दिया, 36 से भाग दिया, तो हम मान लेते हैं कि 36 से हमने इसको भाग दिया तो हमारा जो भाग गया वो a टाइम्स गया, 36 से कितनी बार तो ये डिवाइड होगा, मान लो a बार डिवाइड होगा, तो a बार ये डिवाइड हुआ और उसके बाद 19 जो है वो रिमाइंडर बच गया, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अभी हमारा x की वैल्यू क्या हो गई, ये, यानी जो नंबर है हमारा वो हो गया ये 36a + 19। अब दिया है कि उसी संख्या को 12 से भाग करते हैं, 36a + 19 को 12 से यानी 12 से डिवाइड करते हैं, तब रिमाइंडर कितना होगा, तो हम देखेंगे कि 36a + 19 को हम 12 + 7 भी लिख सकते हैं। अब 36a + 12 इसमें, और जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो इसमें हम 12 कॉमन ले सकते हैं, 12 से 36 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3a + 12 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स, 3a + 1, ये 12 टाइम्स डिवाइड हो गया, प्लस 7 हमारे पास बच गया, तो 7 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चलता है उनमें से दो संख्या 15 और 23 के स्थान पर गलती से लिख दिया गया था 51 और 32, तो सही औसत क्या होगा, देखेंगे 10 संख्याओं का औसत अगर 30 है तो इनका योग हो जाएगा 10 × 30 यानी 300, तो संख्याओं का योग हो गया 300। अब इसमें एक्चुअल में आनी क्या चाहिए थी संख्याएं 15 और 30, तो इनको हम जोड़ देंगे, 15 और 30 को इसमें ऐड कर देंगे, 15 और 30 को ऐड कर दिया हमने, और बताया गया है कि 51 और 32 को गलती से लिख दिया गया था, गलती से लिख दिया था मतलब ये नहीं आने चाहिए थे इसमें, तो इनको हम हटा देंगे यहाँ से, 51 और 32, इन दोनों को हमने यहाँ से हटा दिया। हम देंगे 15 + 30 करेंगे तो ये हमारे पास आता है 23 है, 15 + 23 करते हैं तो ये हमारे पास आता है 38, और 300 + 38 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 338,
इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 51 प्लस 32 को। 51 प्लस 32 इनको हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 83। और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो हमारे पास आता है 255। यानी कि जो योग आया था उनका, 300 तो गलती से आ गया था, आना कितना चाहिए था 255। अब ये योग है, औसत निकालेंगे तो संख्याएं 10 हैं तो 10 से हमने इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 25.5, यानी सही औसत जो होगा वो होगा 25.5। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। दिए गए संबंध के अनुसार क्वेश्चन मार्क की जगह उचित संख्या चुनिए। तो ये एक संबंध है, संबंध में हम देखेंगे पहले 8 दिया है और उसके बाद 9 है, तो 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। यानी पहली जो संख्या है वो 2 का क्यूब है और जो दूसरी संख्या है 2 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 3 और 3 का स्क्वायर। तो यही रूल हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। 64 ये हमें मालूम है कि 4 का क्यूब होता है, 4 4 16 16 4 64। तो 4 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 5, तो अगली जो संख्या होनी चाहिए वो 5 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम, आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम, तो बढ़ते हुए क्रम में हम इनको रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटा यहाँ पर है दैनिक, यानी सबसे पहले आएगा 4, दैनिक के बाद फिर अगला होना चाहिए साप्ताहिक, दैनिक यानी एक दिन, साप्ताहिक यानी 7 दिन, तो एक दिन के बाद 7 दिन, 4 के बाद आना चाहिए 5, साप्ताहिक के बाद होना चाहिए पाक्षिक, पाक्षिक यानी 15 दिन का समय, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसके बाद, पाक्षिक के बाद होना चाहिए मासिक यानी 1 महीने का समय, तो ऑप्शन 3 आना चाहिए, और उसके बाद आना चाहिए वार्षिक, वार्षिक यानी 1 वर्ष का समय, तो ए यानी 4 5 2 3 1। तो हम देखेंगे ऑप्शन बी जो है इसमें 4 5 2 3 1 यही सीक्वेंस दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गौरैया पक्षियों और चूहों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। तो गौरैया हम देखेंगे, गौरैया जो है वो पक्षियों का ही एक प्रकार है, यानी पक्षियों के अंदर गौरैया आना चाहिए, जबकि चूहा जो है इनसे संबंधित नहीं है। तो ये जो संबंध है वो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ये जो बड़ा सर्कल है इसको हम पक्षी मान सकते हैं और इसके अंदर जो छोटा सर्कल है ये गौरैया को रिप्रेजेंट करता है, और जो बाहर अलग से एक सर्कल दिया है ये चूहों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि चूहे पक्षियों से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 50 क्वेश्चंस जिनको हमने बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस किया है। अब बढ़ते हैं रिजल्ट की तरफ। तो ये रिजल्ट है इस बार का, तो रिजल्ट में हम देखते हैं इस बार भी जो फर्स्ट नंबर पे हैं वो है अमित नेगी देहरादून से, इन्होंने 47 मार्क्स गेन किए हैं 50 में से, बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस है, बहुत बहुत बधाई अमित आपको। सेकंड नंबर पर हैं भावेश, ये चंपावत से हैं, इन्होंने 45 मार्क्स गेन किए हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और थर्ड नंबर पर हैं पीएम, ये नैनीताल से हैं, इन्होंने 44 मार्क्स गेन किए हैं, बहुत अच्छा प्रयास है, आप तीनों को ही बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। देखते हैं बाकी के रिजल्ट्स। तो मनोज रावत देहरादून से, इन्होंने 42 मार्क्स गेन किए हैं, पूनम टनकपुर से 42 मार्क्स, रघु हल्द्वानी से 40 मार्क्स, सागर ऋषिकेश से 40 मार्क्स, अभिनव ये पबाऊ 39 मार्क्स, अनीता चंद हल्द्वानी से 39 मार्क्स, दीपा बिस्ट नैनीताल से 39 मार्क्स, रोहित हल्द्वानी से 38, सलमा कादरी खटीमा से 38, विजय रुद्रपुर से 38, बहुत बधाई आप सभी लोगों को। विजय के बाद है नेहा पिथौरागढ़ से 38, रॉबिन चौहान प्रयागराज से 38, जीएस बिस्ट रामनगर से 38, पीएसपी चंपावत से 38, करिश्मा पवार देहरादून से 38, दीपक चंपावत से 37, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट देखते हैं विशाल कुमार देहरादून उत्तराखंड से 37, मंजू नेगी नैनीताल से 37, तनुज जोशी हल्द्वानी से 37, सिंह नैनीताल से 36, राहुल बलूटिया हल्द्वानी से 36, नीलिमा हल्द्वानी से 36, रिजवान अंसारी रुड़की से 36, अनुभव रावत देहरादून से 36, मुकुल बर्गली कालाढूंगी से 35, मुकुल के बाद हैं पूजा खटीमा से 35, रावत जी बागेश्वर से 35, हिमानी हल्द्वानी से 35,
कमल चंपावत से 35, आदि देहरादून से 34, हीरा वल्लभ पिथौरागढ़ से 34, वंदना देहरादून से 34, सोयल तनवीर हरिद्वार से 34, सतेंद्र पिथौरागढ़ से 34। सतेंद्र के बाद हैं जय श्री राम रुद्रपुर से 34, सुनील कुमार रुड़की से 34, प्रिया लोहाघाट से 32, फिर है विभूति नारायण मिश्रा चंपावत से 32, राहुल गांधी अमेठी से 32, संजीव श्रीनगर से 32, बीना जलाल हल्द्वानी से 32, अशोक कोहली पिथौरागढ़ से 31, शिवानी चंपावत से 31। शिवानी के बाद हैं प्रदीप कुमार काशीपुर से 31, उषा धामी पिथौरागढ़ से 30, दीप चंपावत से 30, राम UKI उत्तरकाशी शायद हो सकता है 30, प्रतिभा भट्ट श्रीनगर गढ़वाल से 29, रीतिका गोस्वामी चंपावत से 29, तनु हरिद्वार से 29, रविंद्र कुमार बागेश्वर से 28, सचिन न्यू दिल्ली से 27, सुमन टमटा टनकपुर से 26, दीपा रावत चंपावत से 26, तरुण अल्मोड़ा से 25 और रूपा बिष्ट रामनगर से 25। फ्रेंड्स, हमने इस रिजल्ट में शामिल किया है जिन लोगों के मार्क्स 50% या उससे ज़्यादा हैं, उन्हीं लोगों का रिजल्ट इसमें शामिल किया गया है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही प्रयास करते रहिए और अपना सिलेक्शन जरूर पक्का कीजिए। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।